नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा प्रखंड कार्यालय में लगाया गया शिविर राशन और पेंशन को लेकर। गढ़वा प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में मुख्य अतिथि गढ़वा रंका विधानसभा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि अभी भी 30% लोगों को राशन और पेंशन से वंचित हैं। इसी को लेकर गढ़वा प्रखंड कार्यालय में शिविर लगाकर लोगों को समस्या और राशन कार्ड पेंशन को लेकर फॉर्म भरवाए। उन्होंने कहा कि गढ़वा ब्लॉक में 15,000 से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी भी ये शिविर लगातार चलता रहेगा। देखिए, हालांकि पदाधिकारी काफी मेहनत करके, हमको लगता है कि 70% जो योग्य लोग हैं, डिजर्व करते हैं, उनको पेंशन राशन मिलता है, लेकिन फिर भी 30% अभी भी जो योग्य लाभुक है उनको नहीं मिल पाता था। सरकार ने क्या किया, पावर डिसेंट्रलाइज किया। सरकार ने क्या किया, अंचल में प्रखंड में पेंशन राशन बनाने का पावर दिया है। अब लगता है उसी कड़ी में आज यहाँ पर इतना भीड़ है। ये उपस्थिति बताता है कि लोग जागरूक हुए हैं, लोगों के बीच जागरूकता गया है, लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। आज आप आश्वस्त रहिए, लोग यहाँ पर जमा करेंगे पेंशन राशन का फॉर्म। पदाधिकारी निश्चित तौर पर उसका स्क्रूटनी करके जो भी योग्य लोग हैं उनको पेंशन राशन का लाभ बहुत जल्द सरकार देने के। एक तरफ ग्रामीण आवेदन दे रहे हैं कि राशन होने के बावजूद भी उन्हें राशन नहीं, राशन कार्ड होने के बावजूद। कहा अच्छा काम करिएगा, कुछ त्रुटि हो सकता है, सरकार रात दिन उसमें और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। कुछ अगर कहीं भूल चूक हुआ होगा, गलती हुआ होगा, सरकार का सोच है कि उसमें और कैसे सुधार हो, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। अगर किसी का राशन कट जाता था, बेचारे पर जिला मुख्यालय में भटकते थे, लेकिन अभी तो काफी आसान तरीका से बीडीओ साहब, सीओ साहब प्रत्येक दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रखंड अंचल में बैठे रहते हैं। लोग आएंगे, अपना समस्या बताएंगे, उनका जांच होगा अगर जो क्या होगा। डीलर की लापरवाही बताई जा रही है, डीलर लापरवाह हो सकता है, प्रत्येक दिन डीलर सस्पेंड भी हो रहे हैं। सरकार ने तभी कहा कि नो सस्पेंशन, डीलर अगर गलत करता है बर्खास्त होगा, सस्पेंशन बोल के कोई वर्ड नहीं होगा। अगर गलती हुआ मतलब उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। धन्यवाद।